बहुत सा काम करा मोदी जी ने तो। लोकसभा चुनाव आने को है, क्या लगता है इस बार क्या होगा? बीजेपी आ जाएगी, वो आएगी, अच्छा काम कर रही है। मोदी सर की कोई सरकार नहीं है कहीं भी, जो मोदी जी ने काम किया करके बताया, हिम्मत करके वो बहुत बढ़िया करा काम। बताएंगे दो तीन बड़े काम, जैसे राम जन्मभूमि निमटाया फाइल, एक वो मोमन का वो तलाकनामा वो भी निमटाया, हाँ वो भी निमटाया। और ये जो अपने ये था अभी जो आज जो अभी आया हो, सब जात के लोग एक हो जाए, खाली एक मोमन नहीं आए सीजन, वो उनके भी बहुत बड़ा काम करा उन्होंने। और ये तलाकनामा ये भी अच्छा काम किया मोमन के लिए, मतलब काम इन्होंने मोदी ने बहुत बढ़िया काम करो के काम काम कमी नहीं करी। आप क्या मानते हैं, आपके मन में क्या है? मोदी जी आएंगे सब, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं देश में। कांग्रेस से क्या उम्मीद है? कांग्रेस विपक्ष इतना कमजोर लगता है आपको? विपक्ष से क्या उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं है विपक्ष से, कोई उम्मीद नहीं। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अरे ये सब ढोंग है, ये पूरे इनके खानदान में ढोंग है, कुछ नहीं करा इन्होंने। नेहरू जी ने कुछ नहीं करा, इंदिरा गांधी, ये सब पूरे खानदान बेकार है, परिवारवाद है। इंदिरा जी बस ये इटली से आया नहीं, जब से देश बर्बाद हो गया, कुछ नहीं करा इन्होंने, करेंगे भी नहीं है कुछ भी। ये इनकी जेब भरना, ये देश के लिए नहीं है, ये भरना है, कुछ नहीं करा है इन्होंने, ये कहना है पैसेंजर का। इधर भी और चर्चा कर लेते, कोई दूसरे पैसेंजर भी हमारे साथ है। क्या मुद्दा रहेगा, बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? बड़ा मुद्दा नहीं है, बीजेपी को आना है, और मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को बीजेपी को वोट देना चाहिए, तो ही मोदी जी आएंगे। कांग्रेस में उम्मीदवार ही नहीं है, कांग्रेस से उम्मीदवार ही नहीं है, कौन खड़ा होगा? कुछ गिने चुने चेहरे हैं, वो भी उम्मीद नहीं है कि वो खड़े होंगे। लोकसभा चुनाव आ रहे, जानकारी होगी आपको जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? इस बार भाजपा ही आएगी, पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, और नरेंद्र मोदी भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ काम बताएंगे जो की है सरकार ने, आपको लगता है? सभी गरीबों के लिए बहुत काम किए उन्होंने, जैसे कि अन्न योजना है, उज्ज्वला गैस योजना है, रसोई की अन्नपूर्णा योजना है, बहुत सारी योजना है, उसके तहत नरेंद्र मोदी इस बार भी प्रधानमंत्री चुन के आएंगे देश के लिए। क्या लगता है इस बार इंदौर में क्या होने वाला है? इंदौर में तो ये होने वाला है कि हर बार बीजेपी आई है, तो इस बार भी बीजेपी आएगी। क्या सोच रखते हैं इस बार चुनाव में क्या होगा, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप वोट देने जाएंगे? वैसे तो मतलब एक तो बेरोजगारी वगैरह रहेगी, और दूसरा जो है सबसे मेन कि जनसंख्या से रिलेटेड भी इसमें रहेगा, कि जनसंख्या कंट्रोल का कानून अपने को चाहिएगा इसमें। चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है? मोदी जी आना चाहिए, उन्होंने बहुत फास्ट डिसीजन लिए, देश को भी आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी की, देश विदेशों से जोड़ा है, और देखो युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं भी करी है, बहुत सारे उद्योगों भी खोले हैं, अपने खुद इंडिपेंडेंट बन सकते हैं अपन। और राम मंदिर का मसला कितने सालों से था, उन्होंने डिसीजन लेकर करा, मंदिर बन रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिसीजन उनके अच्छे हैं। मोदी जी राम है और योगी जी लक्ष्मण है। मोदी जी राम है और योगी जी लक्ष्मण है, बड़ी बात कही एक पैसेंजर ने यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। आप बताएं आप क्या आपके मन में इस बार क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? क्या होगा मुझे तो पता नहीं है, जो बोल रहे वो सब पता है। मोदी जी, हाँ मोदी जी आना चाहिए बस, और क्या, सब जो भी कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं। हाँ मोदी जी के अलावा कोई दूसरा कुर्सी पे बैठे ही नहीं, हमको बहुत खुशी है मोदी जी के लिए। मोदी जी अवतार है राम का और योगी जी लक्ष्मण बता रहे हैं यहाँ पे कुछ पैसेंजर, और आगे हमारी यात्रा को हम जारी रखते हैं। लोकसभा चुनाव इस रूप में देखते हैं, क्या तैयारी और क्या मुद्दे? मुद्दे तो बहुत सारे अभी भी बाकी हैं, हमारे जावरा मंदसौर लोकसभा के प्रत्याशी हैं सुधीर जी गुप्ता, नियुक्त एक बार पुनः हुए हैं, और इनको मुद्दे तो क्या है, जैसे अभी ट्रेन का काम चल रहा है, ट्रेनें और बढ़ाना चाहिए इनको, और साथ ही जावरा में एक उद्योग भी डलना चाहिए जो कि नहीं है। राजेंद्र जी पांडे के अथक प्रयासों से अभी ब्रिज का काम भी हुआ है, और बहुत सारे काम होना बाकी हैं जो होना चाहिए, काम होना चाहिए। सर आप बता, युवा है क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? हुआ तो बहुत कुछ है, बस कुछ और बाकी है जो हो जाए, जैसे रोजगार हो गया, अब हमें भी इधर रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, वो अगर हमारे शहर में स्थापित हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या लोकसभा चुनाव क्या लगता है बीजेपी ने काम किए हैं, और कौन सा बड़ा मुद्दा है जो पूरे चुनाव को प्रभावित करेगा? एक हिंदुत्व का जो सामने दिख रहा है मुद्दा, वो वाकई इफेक्ट डालेगा, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, CAA है अभी हाल ही में लागू हुआ है ना, बहुत सारे हैं बढ़िया। युवाओं के मन में क्या है इस बार? नौकरी है,
मोदी नहीं है। मोदी तो है, मोदी से आशा है कि नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, और होगा वो भी। युवाओं के मन में दो चीज़ है, युवाओं के मन में मोदी भी है, युवाओं के मन में नौकरी भी है। सर आप बताएं आप कहाँ रहते हैं? मंदसौर। सुना, अच्छा वोट वहीं करते हैं जी? गांव में करते हैं। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? मुद्दे तो बहुत सारे सब, शहर में हमारे शहर में रोजगार होना चाहिए बस, रोजगार युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उद्योग आने चाहिए बड़े बड़े, यही। आलू का भाव भी नहीं मिला इस बार, आलू का भाव 32 रुपये किलो आना था जो 15 रुपये किलो ही मिला। MSP की मांग करते हैं? हाँ MSP की मांग करते हैं। और कौन सा बड़ा मुद्दा होगा इस लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है? या किसान और जवान दो मुद्दे हैं, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। उसके बाद में बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे ना ये मोदी जी, बेरोजगारी के लिए कुछ करेंगे तो मज़ा आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मुद्दा है। किसान और जवान दो प्रमुख मुद्दे हैं और बेरोजगारी, ये कहना है कुछ लोगों का यहाँ पे। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी होंगे, जिनको देख के वुमन्स वोट करने जाएगी? मेरे हिसाब से तो मतलब एक तो एजुकेशन का पहले रखना चाहिए, और एक मेडिकल फैसिलिटी का, कि एक प्रॉपर अच्छी फैसिलिटी दी जाए। जैसे खुद हमारे रतलाम का ही बताना चाह रही हूँ मैं, गवर्नमेंट होने के नाते वहाँ पे कुछ सामान है ही नहीं, जैसे ग्लव्स पेशेंट ला रहे हैं या कोई भी सुविधा में बेड प्रॉपर नहीं है, सरकारी अस्पतालों की स्थिति जो है वो। हाँ मेरा मतलब मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड है कि। नारी सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? नारी सुरक्षा आपको लगता है सेटिस्फाइड है आप उससे? नहीं, उसके लिए भी थोड़ा मतलब रखना चाहिए कि सेफ लगे थोड़ा। हमारे जैसे कॉलेज का ही किस्सा सुना देती हूँ, कुछ भी लोग अंदर आ जाते हैं या कुछ भी बाहर चले जाते हैं, एक प्रॉपर वो होना चाहिए कि हर जगह सेफ लगे सबको। ऐसा बड़े काम तो बताइए 4-5 की जो जिनको देखते बार वोट करने जाएंगे आप लोग भी। एक काम हो तो बताएं, हजारों काम, देश को 70 साल से गड्ढे से बाहर इन्होंने निकाला है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो काम किए, जो अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी 10 साल में, उन्होंने वो काम नहीं किया जो इन्होंने काम करके बताया, और आज भारत को तीसरी महाशक्ति बनाने के कगार पे है। राहुल गांधी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष से कितनी उम्मीद है आपको? विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष से कोई क्या कोई शब्द नहीं बस। क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या होगा देश में, क्या होगा, और आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके मन में क्या है? मन में देश के प्रति भावना रहेगी सर, राष्ट्रीय की भावना रहेगी क्या, और मोदी जी के पक्ष में रहेगा क्या, क्योंकि विकास को गति मिलेगी, मोदी जी की सरकार फिर पुनः बनेगी तो विकास को गति मिलेगी क्या। कौन से बड़े मुद्दे हैं इसके अलावा जो जनता के मन में रहेंगे और जनता उन मुद्दों को लेकर वोट देने जाएगी? सर जनता के मन में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, पर अधिकांश मुद्दे तो वैसे क्लियर भी हो चुके हैं क्या, ऐसे कोई मुद्दे बचे नहीं हैं कि वो जो हो सकें, काफ़ी कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। कहना है यहाँ पैसेंजर देख सकते हैं, पूरी जो ट्रेन है ये चित्तौड़गढ़ से चलती है रतलाम और जो आगे उज्जैन के कुछ क्षेत्र से होते हुए इंदौर के लिए जाती है, और ये पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई है। और इस ट्रेन को लेकर कई बार ये बात लगातार सामने आती है कि इस ट्रेन की फेरे बढ़ाए जाने चाहिए, दूसरी ट्रेनें भी चलनी चाहिए। तो यात्रियों से हमने बात की, हमारी जो सफ़र यही तक के था यहाँ पर, यात्रियों की कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रिया आई। कुछ लोग राम मंदिर को लेकर खुश नज़र आए, तो कुछ लोग मोदी सरकार के कामों की प्रशंसा करते यहाँ पे नज़र आए। लेकिन अब देखना यह है कि राजनीति का ये ऊँट इस लोकसभा चुनाव में किस करवट बैठेगा। इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाला लोकसभा चुनाव का नतीजा ही बताएगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम।